अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। बहुत दिनों से डीएक्टिवेट था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दिनों दिन मतलब बहुत महीने हो गए आपकी राह। हर साल की तरह इस साल भी गणपति उत्सव बहुत ही जोरदार से मनाया जाता है और लॉकडाउन की वजह से मुझे कहाँ जाने नहीं मिला। इस बार हम पूरे जोर से और भक्ति से गणपति बापा का आगमन करेंगे। तो अरुण से पूछते चले, क्या कौन आने वाला है उसको पता नहीं इतना कुछ। अरुण कौन है नारे आप लगड़े? पप्पा शिवे, हाय गणपति पप्पा। बहुत दिनों से डीएक्टिवेट था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी गणपति पापा आए हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ डेली व्लॉग्स आए। अगर आगे भी मैं कहाँ पर जाऊँ किधर घूमने तो मैं ज़रूर भूलूँगा नहीं कि व्लॉग बनाना है करके। और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आइडियाज़ मुझे जैसे आएंगे, और लाइक तो पहले करना क्योंकि उससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है आगे कि क्या करना है करके। क्योंकि अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई कोई तो है मेरे साथ, एक फैमिली करके है और उन लोग आगे जा रहे हैं और मैं क्या पीछे अकेला ही हूँ। आगे मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगा। अभी इतने इतने दिन मिले हैं मुझे, 5 दिन, पापा भी इतने जल्दी जा रहे हैं। आगे और भी वीडियोस आएंगे। आज गणपति पापा का आगमन है तो बहुत खुशियाँ हो रही है, खुशी हो रही है। मेरी हिंदी बहुत कच्ची है थोड़ी, चलेगा। तो देखेंगे आगे कैसा क्या होता है। गौरी का आगमन बाकी है, बहुत सी मज़ा आने वाली है। जल्दी हम आगे सब गए आधे लोग और हम पीछे रह गए ब्लॉग के शूटिंग में। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा और बोला गणपति पप्पा। सर हमसे नंबर आलेला है, आता गणपति पप्पा येतील, एक मिनट मी तुम्हाला दाखवतो। आता इथे बसले दादा थोड्या वेळाने, आम्ही त्यांना घरी नेऊ। बोला गणपती बाप्पा, मंगल मूर्ती।
आप भी लाइक करो, सब्सक्राइब फटाफट कर दो गाइस।